हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि जेई 2022 के पेपर में पूछा गया है। सो हियर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन टू अस एंड इट इज़ फॉर्मड बाय टू प्लेट्स ऑफ एरिया। उसका जो एरिया दे के रखा है, कैपिटल ए दे के रखा है, दैट इज 30 बाय सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर। सो जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच का वो 1 मिलीमीटर है। अ मटीरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हमें दे के रखा है 3.6 × 10^7 वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक मटेरियल जो है सस्टेन कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग इट्स डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। सो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो डायमेंशन है, जो यूनिट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में है। एंड दिस मटीरियल ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज बिंग फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर विदाउट कॉजिंग एनी डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज गिवन टू अस। जो मैक्सिमम चार्ज वो स्टोर कर सकता है वो हमें दे के रखा है, लाइक 7 × 10^-6 कूलम देयर। और हमसे पूछा गया है यहाँ पर मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो हमें गिवन चीज़ें यहाँ पर दे के रखी हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैक्सिमम चार्ज वो कितना स्टोर कर सकता है वो हमें गिवन दे के रखा है। एज वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी देयर। सो चार्ज का वैल्यू हमें गिवन है और अब हम यहाँ पर C के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बट ये डायलेक्ट्रिक एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ फिल किया गया है, पूरी तरह से फिल किया है, तो जो कैपेसिटी होती है उस डायलेक्ट्रिक वाले की, इट इज सिंपली K टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ एयर कैपेसिटर। जनरली जो एयर कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, बट ये कैपेसिटर डायलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल किया गया है। सो नाउ द न्यू कैपेसिटी इज K टाइम्स। तो हम सी की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो कि हमें निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल। सो वी हमारे को दिया नहीं गया, लेकिन हम इसे यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ई एक्सप्रेशन को लिखेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। सो क्यू इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन। तो हम यहाँ पर वी की जगह जो है वो ई डी लिख देंगे। सो डी से डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से जो के का वैल्यू हमारे पास बन रहा है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ नोन है, इट इज़ एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय ई देयर। सो के का एक्सप्रेशन बनता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ई। अब हम गिवन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके कैपिटल के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जो मैक्सिमम हम ले सकते हैं, जो दिया गया है 7 × 10^-6 देयर। एंड एप्सिलॉन नॉट, एज वी ऑल नो दैट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 10^-12 इन द SI सिस्टम देयर। और एरिया दे के रखा था 30 पाए सेंटीमीटर स्क्वेयर, इसे हमें मीटर में बदलना होगा, मीटर स्क्वेयर में। सो इट इज़ 30 पाए × सेंटीमीटर स्क्वेयर है। सो सेंटीमीटर मीन्स 10^-2, जो स्क्वेयर होके 10^-4 बन जाएगा। एंड देन आफ्टर हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने को बचता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो मटेरियल सस्टेन कर सकता है, जो एक कैपेसिटर सस्टेन कर सकता है, वो भी हमें गिवन दे के रखा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज व्हेन वी हैव मैक्सिमम चार्ज एंड देन द व्हेन वी हैव मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वी हैव कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल गिवन टू अस, दैट इज नोन एज द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ई का वैल्यू है 3.6 × 10^7। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद, लाइक यहाँ पर है -12 -4, इट इज़ -16, यहाँ से 7 चला जाएगा, -9 ऊपर जाके वो प्लस का हो जाएगा, इट इज़ लाइक अल्टीमेटली 10^3 हो जाएगा। सो पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व जब आप कर लेंगे, मैथमेटिकली डिवाइड वगैरह कर लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली और 2.33। 2.33 हमें ऑप्शन में नहीं दे के रखा है, बेसिकली लाइक आई थिंक दैट वाज अ 2.33 ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये मैंने इसे 2.23 लिखा था, बट इट वॉज एक्चुअली 2.33। सो 2.33 इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।